Hello everyone, my name is Virender Singh Suri, I am from India, Punjab. मैं यहाँ एक ऐसी जगह बैठा हूँ जो दुनिया को, सारी दुनिया को विजन दे रहे हैं. डॉक्टर गुलानी साहब के ऑफिस में मैं आया हुआ था. एक्चुअली में मेरे साथ एक कोइंसिडेंट हुआ कि मैं जिंदगी में जब मेरी आँखें खराब हुई, मेरा बहुत बड़ा नंबर था, -13 था मेरा, विद सिलेंडर नंबर था मेरा. और मैं जब छोटा सा था, 2-3 साल का था, मेरी मदर की आई साइट कमज़ोर थी, तो उसके बाद मुझे ये चश्मा लगा. शुरू से बचपन से हम इसको मैं वेयर कर रहा हूँ चश्मे को. और मेरा नंबर इतना बढ़ता जा रहा था कि सभी डॉक्टर, मैं इंडिया में मैंने काफ़ी डॉक्टरों से ट्राई कर रहा था, तो मैंने छोड़ ही दिया था कि मेरी आँखें दोबारा वापस आ सकती है. मेरे मन में कभी भी नहीं था कि ये ऐसा होगा. लेकिन एक कोइंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं गुरुद्वारे में कीर्तन कर रहा था और मिसिस गुलानी, सुपर्णा गुलानी, अचानक वहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि मैंने बहुत मोटा चश्मा पहना हुआ था. तो उस चश्मे को देख के कहते हैं, आपका ये चश्मा मेरे हस्बैंड हटा सकते हैं. तो मेरे मन में कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, ना ही मैं इसको बियर कर सकता हूँ, ना ही मैं इतना बड़ा एफर्ट कर सकता हूँ. उन्होंने कहा कि हम आपका बिना पैसे के सारे इलाज करेंगे. मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन मैंने कुछ दिन नहीं उसको देखा. थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया, कहते आपको मैंने कहा था कि मैं आपका ये कर सकती हूँ कार्य. तो मैं इनके ऑफिस आया, इनके दफ्तर में, ऑफिस में आया, क्लिनिक में आया, तो मैंने इनसे मिला. तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह चेकअप करने के बाद, पहले तो मुझे पूरे स्टाफ ने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया, बड़ा इधर जॉयफुल माहौल था. हर एक स्टाफ ने, मुझे इंग्लिश नहीं इतनी आती थी, मेरे साथ उन्होंने हेल्प करी, हर तरीके से उन्होंने मुझे गाइड करा. उसके बाद जब डॉक्टर गुलानी मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि ये कोई कर नहीं सकता, ये लाखों में एक केस है आपका, लेकिन मैं आपकी हिम्मत देख के मैं प्राउड करता हूँ आप पे, अगर आप इसको कराना चाहते हो तो आप करा, मैं कर सकता हूँ. तो उन्होंने बड़ी विश्वास के साथ जब मुझे ये बोला, तो मैंने कहा आप कीजिए. तो इन्होंने आज से 15 दिन पहले मेरी एक आँख का ऑपरेशन करा था, तब बिल्कुल मेरी एक आँख बिल्कुल, मैं, इन्होंने बाद में चेकअप भी करा, मेरा नंबर 0 आ गया. कल इन्होंने मेरे दूसरी आँख का ऑपरेशन करा, जो मेरी राइट आई है उसका ऑपरेशन हुआ है. और जब मैं आया हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा था, तो मुझे इतनी खुशी हुई. सुबह मैं अच्छी तरह ड्रेसअप हुआ, मैंने टर्बन बांधा, अच्छे कपड़े पहने, और खुद ड्राइव करके मैं कार यहाँ आ गया. हालांकि मुझे गुलानी साहब ने बहुत गुस्से हुए, स्टाफ ने भी मुझे बहुत गुस्सा हुआ कि आप इस तरह नहीं आना चाहिए था, आपको भी आपकी आँखों की बहुत केयर की ज़रूरत है हमें, और इतना हमने मेहनत करी है, तो प्लीज़ इसका टेक केयर कीजिए. लेकिन मैं इतनी खुशी में था कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपने अल्फाजों से नहीं बता सकता. देखो, एक तो उन्होंने मुझे पैसों से हेल्प करी, और इन्होंने मेरा पैसा भी नहीं खर्चों ने दिया, और मुझे, मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो उसको देखकर इन्होंने कहा कि आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, तो हम आपका काम ये करेंगे और बिना पैसों के करेंगे. ना जाने इनको क्या इनको मेरे पे आया, और भगवान ने एक कृपा करी, और गुलानी साहब की, ये जो अरुण गुलानी जी, इनकी हिम्मत मेहनत, सुपर्णा गुलानी जी की मेहनत हिम्मत, स्टाफ की सारी, इन्होंने मुझे अच्छी तरह केयर करा, और उनकी वजह से आज देखिए मैं पहला दिन आज मेरा ऑपरेशन करके, और मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, खुद गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, टर्बन बांधा है मैंने, सारा सेटअप हुआ. हालांकि मुझे गुस्सा भी हुआ है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी, और ये नहीं चाहते थे कि मेरी आँख को कुछ छोटी सी देखे. और मैंने, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल 100% ही देख सकता हूँ, मुझे किसी चश्मे की जरूरत नहीं. मेरा -13 नंबर था, और अब मेरा कोई नंबर नहीं है. मैं भगवान के लिए, इनके स्टाफ के लिए, अरुण गुलानी जी, सुपर्णा गुलानी जी, और सब के लिए मैं प्रेयर करता हूँ कि भगवान इनको और तरक्की दे, और खुशी दे, और ये सारे संसार को आँखें देने के, जो इन्होंने मन में सोचा हुआ है, इनका एक सपना है कि सबको मैं विजन देना चाहता हूँ, और ये अपने कामयाब हों और आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएँ. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू और ऑल व्यूअर्स. थैंक यू.